इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे किस तरह से कमा सकते हो। मैं आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जो कि आपने ऑलरेडी सुना है, जैसे कि फ्रीलांसिंग कर लो, एक प्रोडक्ट बना के उसको बेच दो, कोर्सेज बेच दो, वो सब मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं एक्चुअल में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप पता कर पाओगे इस बात को किस तरह से बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे पर्सनली मैंने अपनी मनी को डबल कर लिया, एंड ये कोई स्कैम नहीं है, लिटरली डबल कर लिया, गारंटीड आपके पैसे डबल होंगे। अब मैं ये बात हर वीडियो में नहीं बोलता हूं, लेकिन ये वीडियो इस चैनल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे कमाने की रेस में आप पीछे रह गए, तो ये वीडियो आप लोगों को बताएगा कैसे पैसे कमा सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूं, इट्स नॉट गोइंग टू बी फन, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, और कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको लगेगा अरे यार ये क्या बोल दिया, तो यार वो सब सुनने के लिए आप लोग तैयार रहना। तो इसी प्रॉमिस के साथ मैं स्टार्ट करता हूं, मेन पॉइंट पे आता हूं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, प्रोग्रामिंग करके आप लोग बहुत पैसे इजीली कमा सकते हैं। अब यहां पर मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि आप टेक रिलेटेड वर्क करके, जो लैपटॉप है आपका, इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे पैसे इजीली कमा सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है आपके पास, आपका कंफर्ट है, ये गेम चेंजिंग इसलिए है क्योंकि एक तो आप अपने घर के कंफर्ट में ही काम कर सकते हैं, दूसरी चीज ये आप जैसे जैसे इस फील्ड में नॉलेज किसी भी फील्ड में लेते हैं, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में, तो आपकी नॉलेज कंपाउंड होती है, एक्सपोनेंशियली कंपाउंड होती है। मैं आप लोगों को इस बात का एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग आज 19 साल के हो, आप लोगों को लेटेस्ट से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत बेसिक चीजें आती हैं, आप 20 के हो गए तो आपको चार बातें और पता चलेंगी, फिर उसके बाद उन चार बातों का इस्तेमाल करके आप और कुछ बनाओगे, और वो जो आपने बनाया है उसका यूज करके आप और कुछ बनाओगे। आज आपने मेहनत करके एक चीज सीखी तो कल आप लोग उसी मेहनत का इस्तेमाल करके कम मेहनत में ज्यादा अचीव कर सकते हैं, फिर ये जो नॉलेज आपने एक्वायर करी इसको इस्तेमाल करके आप लोग और आगे और कम मेहनत में और ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सो द मेन थिंग अबाउट मनी इज टाइम, नॉलेज और फोकस, ये तीन चीजें आप लोगों को लगेंगी अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो टाइम आप लोगों का सबसे बड़ा दोस्त है, अगर मैं आप लोगों को एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके दूं तो शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग थोड़ा सा फ्रीक आउट भी कर जाओगे, 2 से 4 साल हाँ आप लोगों को इतना टाइम लग ही जाएगा यार अगर आप लोग एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, बट ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मैं आप लोग से ये नहीं कहना चाहता कि यार एक महीने बाद आप लोगों के पास लाखों रुपए आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग आज स्टार्ट कर रहे हो तो 2 से 4 साल आप लोगों को लग ही जाएंगे, और ये फैक्ट है, और मैं आप लोगों से सच बोलना चाहता हूं। और मैं ये भी बोलूंगा कि रिजल्ट्स आर गारंटीड, स्पीड इज नॉट, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अगर किसी 19 साल के लड़के को या लड़की को देख लिया जिसे करोड़ों रुपए कमा रखे अपनी लाइफ में तो वो आप भी कर सकते हो। यार हर चीज रिपीटेबल नहीं होती, क्या मालूम क्या सर्कमस्टेंसेस थे उसके, क्या टाइमिंग थी उसकी। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को ये होता है कि यार अगर किसी एक इंसान ने बहुत सारा पैसा एक काम करके बना लिया, 50 लोग और आ जाएंगे वही काम करने के लिए, कहेंगे हम भी ऐसे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे बनता है, और वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जो यूनिवर्स होता है ना, इट इज गवर्न्ड बाय कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी चीज हो रही है उसकी एक वजह होती है। आपका अमीर होना इज एन इफेक्ट, यू हैव टू फाइंड अ कॉज, ऐसा आपने क्या किया कि आप अमीर बन गए, तो हमें एक कॉज ढूंढना है और वो करना है और उस पर काम करना है। अपनी लाइफ में आप लोग हर मोमेंट में चॉइसेस बनाते हो। अगर मैं आप लोगों से अभी कहूँ कि क्या आप पढ़ाई करना चाहते हो, क्या आप लैपटॉप लेके काम करना चाहते हो, या आप बाहर जाके फुटबॉल खेलना चाहते हो, आप लोग एक चॉइस वहां पर मेक करोगे। अगर आप जा रहे हो फुटबॉल खेलने, मैं ही नहीं कह रहा हूँ गलत है फुटबॉल खेलना, आपने एक डिसीजन लिया, आप जल्दी सोने जा रहे हो, देर से सोने जा रहे हो, वो एक डिसीजन है आपकी लाइफ का। इस दुनिया में आप लोग पैसे कमा सकते हो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके। कोई भी इंसान आपको पैसे तब देगा जब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अब ये किसी भी फॉर्म में आप लोग करो, चाहे आप एम्प्लॉई हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आपकी अपनी कंपनी हो, आप इन सम वे और अदर किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो ये तो कुछ बेसिक्स हो गए, लेकिन आप लोगों को अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं कि क्या वो एक ऐसी चीज है जो कि आप जिंदगी भर इंजॉय कर सकते हो और बिना पैसे लिए कर सकते हो, वो चीज है जो कि आपको अमीर बनाएगी। क्योंकि आप लोग किसी भी चीज को कर रहे हो और उससे पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो आप लोग को टाइम लगेगा, और वो जो टाइम लगने वाला है ना उसमें आप बोर होकर क्विट ना कर दो। इसके लिए क्वेश्चन जरूरी है, सवाल का जवाब आप लोग को लेना पड़ेगा कि क्या वो चीज है जो कि आप कर सकते हो अगले 5 साल तक बिना पैसा एक्सपेक्ट किए इंजॉय करते हुए, शायद आपको पैसा नहीं भी मिलता तब भी आप वो चीज करते, वो चीज क्या है, इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। अपनी लाइफ में आप जैसे जैसे चीजें करते जाएंगे, सही भी करेंगे गलत भी करेंगे, गलत ज्यादा करेंगे सही कम करेंगे, और जैसे जैसे आप गलत करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज मिलेगी, उसे कहते हैं एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया था तो किसी ने उनसे पूछा था, कारखाने के वो वर्कर जो की बल्ब बना रहे हैं और आप भी बल्ब बना रहे हो, आप दोनों में डिफरेंस क्या रहा, बल्ब बनाने का फॉर्मूला तो पता है ना उसको भी आपको भी। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा कि मुझे 64 बल्ब ना बनाने के तरीके भी आते हैं, उस इंसान को बल्ब बनाने का एक तरीका आता है। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, विच मीन्स कि थॉमस एल्वा एडिसन वहां से आगे और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर देखा है और फेलियर से उन्होंने एक्सपीरियंस पाया है जिसकी वजह से वो ज्यादा वाइस। तो फेलियर्स विल मेक यू वाइस, ऑलवेज रिमेंबर। अब मैं बात करना चाहूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस की। अब क्या होता है कि आपकी जिंदगी में आप लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है, ठीक है, सब कुछ हटा के देखो, सोना भी है, खाना भी है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करती है, वो सब हटा के आपकी लाइफ में एक लिमिटेड टाइम है और आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एज के साथ वेरी करेगी। टाइम आपको चेंज आप नहीं कर सकते, आपके पास जितना है दिन में टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन जो एनर्जी है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं बाय ईटिंग प्रॉपरली, स्लीपिंग प्रॉपरली, किसी भी तरह का गलत सलत चीजें आप ना खाए पिए, आप समझ लो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, वो सब चीजें अवॉइड करके अपनी ये जो एनर्जी है इसको ऑप्टिमाइज
मैक्सिमाइज कर सकते हो, लेकिन टाइम का आप कुछ नहीं कर सकते। टाइम जितना है उतना ही है, आप चाहे तो उसको मस्ती करने में लगा लो, चाहे आप उसको मेहनत करने में लगा लो। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि यार मेरी 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, मेरी 10 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइंग टू यू। ऐसा कोई इंसान अमीर बना ही नहीं जिसने 50 चीजों पर फोकस किया। अमीर सिर्फ वो इंसान बना है जिसने अपनी सारी एनर्जी एक चीज पर लगा दी। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, अब आप कहते हो मैं सब कुछ करूंगा, मैं फुटबॉल भी खेलूंगा, मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने पर भी काम करूंगा। फिर आप कहते हो कि यार मैं यूट्यूबर भी बन जाता हूँ, तो मैं वीडियो क्रिएशन भी सीख लेता हूँ, वहां भी आप एनर्जी लगा रहे हो। तो आपका जो एनर्जी था वो बढ़ गया सब जगह, ठीक है। अब एक कोई दूसरा इंसान है, उसने कहा कि भाई मेरे पास 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, मैं कोडिंग में ही लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा या वो एंजॉय नहीं करेगा, लेकिन उसका जो प्राइमरी फोकस है वो सिर्फ कोडिंग है। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा जो होता है हमारे पास धूप में। बचपन में हम लोग क्या करते थे कि जब सूरज की किरणें आती थी तो उसका एक फोकस लगा के पेपर पे रखते थे हम, और वो आग पकड़ लेता था। आग वो क्यों पकड़ता था? क्योंकि जितनी भी एनर्जी इधर उधर है जो आ रही है सन से पैरेलली, हम उसको फोकस कर रहे हैं एक पॉइंट पर, और जो इम्पैक्ट होता है वो इतना खतरनाक होता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सूरज की रोशनी से आग लग सकती है। तो मैंने बोला था कि यार जो लोग कहते हैं आपसे 7-8-10 सोर्सेस ऑफ इनकम है उनके, वो आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। तो एक्चुअल में आप कहेंगे यार नहीं, मैंने तो देखी यार उस इंसान की 7 सोर्सेस ऑफ इनकम है, वो एफिलिएट भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। तो देखो क्या होता है कि जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हो तो वो एक चीज क्या होगी, जैसे मान लो आप कहते हो यार मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्रिकेट करूं, मैं कोडिंग करूं, जॉब के लिए प्रिपेयर करूं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूं, करूं तो करूं क्या? आपको वो चीज ढूंढने के लिए आपको सब जगह जाना पड़ेगा। टेम्परेरीली मैं कहूंगा 7-8-9 में तैरोगे, और 7-8-9 में तैरने के बाद आपको पता चलेगा वो कौन सी नाव है जिस पर आपको तैरने का मन है, जिस पे आप लोग 3-5 साल लगा सकते हो और उस फील्ड के बादशाह बन सकते हो। रिजल्ट्स आर गारंटीड, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग ये कर देते हो, आप क्या करते हो कि एक छोटा सा एक काम कर रहे हो, आप कहते हो थोड़े बहुत पैसे मुझे यहाँ से आ रहे हैं, मैं ये भी कर लेता हूँ, चलो मैं ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ, मैं क्रिकेट भी सिखा देता हूँ। इनमें से कोई भी चीज आपको बहुत अमीर नहीं बनाएगी। आप बेसिकली 7 सोर्सेज ऑफ इनकम है आपकी, बट यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग, तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बन के रह जाओगे। एक और मैं आप लोगों को सिनेरियो बताता हूँ जहां पर आपको बहुत सक्सेसफुल लोगों को, करोड़पति खरबपति लोगों को आपको देखने को मिलेगा। अरे भाई इनकी तो इतनी सोर्सेज ऑफ इनकम है। वो लोग सबसे पहले एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर उन्होंने की अपनी लाइफ, और उसके बाद जाकर उन्होंने 5-6 सोर्स ऑफ इनकम जो है वो खोल। एक इंसान जो 2,000 करोड़ कमा रहा है, तो 2 करोड़ पर मंथ का बिजनेस अगर उसका कोई दूसरा चल रहा है, वो उन लोगों के लिए ऐसा प्रोजेक्ट होगा जैसे हम लोगों के लिए 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। लेकिन उस इंसान ने जो अपने पैसे बनाए, लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देयर आर एक्सेप्शंस, हर चीज में होती है, ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक थ्योरी को लेकर अगर मैं बात करूं, उस इंसान ने सिर्फ एक चीज से पैसे कमाए, और एक बार वो चीज उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इतनी रॉकेट बन गई होगी, तब जाके उसने अपनी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम फैला दी होंगी। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास फोकस लिमिटेड, आपको डिस्ट्रैक्शंस हर कीमत पे अवॉइड करनी है। ऐसे दोस्त जो कि आपका टाइम वेस्ट करते हैं अवॉइड करो, खेलने मत जाओ ज्यादा अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है तो। अब आप लोग कहोगे यार ये सब चीजें भी तो जरूरी है, आप कोई भी एक एडिशनल चीज ऐड करोगे, मान लो मैं कहता हूँ गिटार सीखूंगा कल से, इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। मैं जो टाइम कहीं और दे रहा था अब मैं वहां पर दे रहा हूँ, तो वो चीज वीक हो जाएगी। अब अगर आप लोग को बहुत अमीर बनना है, आप लोग को शायद ये बात कड़ भी लगेगी थोड़ी सी, आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी या इतनी कम करनी पड़ेंगी जितने में आपको यार काफी तकलीफ होगी। आपको यार मैं तो घूमता था रात को, मैं क्यों बैठूं लैपटॉप लेके, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। वरना फिर यह कि आप सैक्रिफाइस कर दो इस चीज को, अगर आप अमीर नहीं बनना चाहते हो तो आप वो चीजें कर लो, आपको वहां पे सारे मजे देखने को मिलेंगे। ये वाला मजा आपका रह जाएगा कि यार आप बहुत अमीर नहीं बन पाओगे लाइफ में, लेकिन अगर आपको बहुत अमीर बनना है तो वो सारा टाइम फोकस एनर्जी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब किसी भी स्टार्टअप का एग्जांपल ले लो, वो लोग यही करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन नटशेल स्टार्टअप्स किस तरह से काम करते हैं। मैं नाम नहीं लेता हूँ, चश्मे बेचता है वो स्टार्टअप, 100 करोड़ का लॉस किया था उन्होंने लास्ट ईयर, उससे भी पहले शायद 120 करोड़ का लॉस किया था। अब आप कहोगे ये लोग लॉस कर रहे हैं तो ये क्या चल रहा है, मतलब इससे अच्छा तो मैं हूँ, मैं कम से कम 0 तो कमाता हूँ। नहीं, वो आपसे कई गुना बेहतर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। उन्होंने एक रनवे लिया है 10 साल का या 5 साल का मान लो, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास फंडिंग है। इन्वेस्टर क्या करता है, देता है पैसे उनको। मान लो किसी ने उनको 10,000 करोड़ दे दिए कि भाई ये 10,000 करोड़ रुपए आप रखो, अब आपको क्या करना है कि 5 साल तक आप कुछ भी करके प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के दो। पहले साल में वो आपके ऊपर पैसे लगाएंगे, आपको इतनी अच्छी सर्विस देंगे, आपको यार यही से खरीदना है तो चश्मा, यार चश्मा मतलब ये। सेकंड ईयर में भी वो लॉस करेंगे, आप रिटर्न कहोगे तो रिटर्न भी कर लेंगे, सब कुछ करेंगे वो। आप कहोगे यार मजा ही आ गया यार, मतलब रिटर्न भी करते हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, सस्ते भी होते हैं ये। तीसरे साल में भी लॉस करेंगे, चौथे साल में भी लॉस करेंगे, पांचवें साल में वो नॉर्मल पे आ जाएंगे। मतलब वो जो फ्री में बांट रहे थे पहले और गलती आपकी होती थी, उसके बाद भी वो आपको रिफंड देते थे और रिटर्न देते थे, वो देना बस बंद कर देंगे। उन्होंने जो कस्टमर्स एक्वायर करे थे वो लोग, क्योंकि उन पे ट्रस्ट करते हैं और वो लोग अपनी सर्विसेज को मेंटेन भी करेंगे, तो वो पैसा कमाते हैं, और वो जो पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म के लॉस को जो है कवर कर देता है। इस तरह से स्टार्टअप भी फंक्शन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, टाइम लेके चलते हैं, इसलिए द थिंग अबाउट मनी इज टाइम। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले एक बार वो फील्ड ढूंढनी है जो कि जिस पे आपको टाइम लगाना है। ये 2-4 साल आपकी जिंदगी है, 2-4 साल है, तो आप किस
फील्ड में लगाओगे, जिसके बारे में आप जब भी सुबह को उठ के सोचो आपको लगे कि हाँ यार ये करते हैं, आज ये करेंगे, आज ये चीज को ऐसे करूंगा, कल मैंने ऐसे करा था अब ऐसे करूंगा, तो आप टाइम के साथ साथ एंजॉय करते हुए उस चीज के एक्सपर्ट बन जाओगे। अभी जो इंटरनेट होता है, लैपटॉप होता है और जो डिजिटाइजेशन है वो बड़ी कमाल की चीज है। आप लोग अपने घर पे बैठ के सारे काम कर सकते हो, फाइवर अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आसान है फाइवर अपवर्क में काम उठाना, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो एक चीज के तो आप खुद एक रिसोर्स बन जाते हो एंड इवेंचुअली काम आपको फॉलो करता है। मेरी ये बात याद रखना, वो कैसे करेगा, इन सम वे और दी अदर करेगा, एंड दीज आर जस्ट सम ऑफ दी वेज जिससे आप लोगों को काम मिलेगा। आप अपने आप पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। तो अगर आप लोग मेरी तरह कोडिंग को चुन रहे हो उस चीज में, तो आप कोडिंग पे काम करो, पहले पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ, पहले खुद तो सेटिस्फाई हो जाओ अपने काम से, पहले अपनी नजर में तो इज्जत बना लो अपनी, उसके बाद आप दूसरे को प्रूव करने की कोशिश करोगे। जब भी आप किसी की लाइफ को इजी बनाते हो, किसी का टाइम बचाते हो, या फिर किसी की लाइफ में किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, चाहे वो प्रॉब्लम उसको पता हो या ना पता हो, किसने मांगा था जोमेटो लेकिन आया जोमेटो, उन्होंने कहा क्यों ना हम आपके घर पे ला दे खाना। अब अगर कोई मुझसे कहे कि क्यों ना आप दिल्ली जाते हो मान लो 5 घंटे में, क्यों ना मैं एक उड़न तश्तरी बना दूं, एक प्लेट बना दूं ऐसी जिसपे आप बैठोगे और 2 मिनट में पहुंच जाओगे, क्या मैंने कभी ये मांगा था? नहीं मांगा था। बट अगर कोई ला देगा तो मैं उसे पैसे क्यों नहीं दूंगा यार। इस तरह की चीजें भी जो है आप लोगों को लाइफ में पैसे बना के देती है। तो कोई भी चीज आप लोगों ने अगर चुन ली और आप लोगों ने अपने आपसे कह दिया कि भाई मैं जिंदगी लगाने वाला हूं इसमें, 2 से 4 साल लगाने वाला हूं अपनी लाइफ के, तो वो आपने कह दिया, फिर उसके बाद आप चेंज नहीं करोगे। जैसे मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एग्जांपल दिया था, वो करना है फिर आपको उसके साथ 2 से 4 साल तक, रिजल्ट्स आर गारंटीड। विद दैट सेड, अब मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताऊंगा पैसे कमाने के, और उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मैंने अपने पैसे डबल किस तरह से किए। तो सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताना चाहूंगा पैसे कमाने का, भाई गेट अ जॉब। आपको यार जॉब, मैं तो यार यहाँ पे करोड़पति बनने की बातें कर रहा था, जॉब क्यों लूँ मैं? जब जॉब होती है ना आपके पास, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, आपका जो मेंटल पीस होता है वो बना रहता है। आपको पता है कि यार कम से कम मेरे बेसिक एक्सपेंसेस तो मीट होने वाले हैं। आपकी बुगाटी नहीं आएगी, आपकी लैम्बोर्गिनी नहीं आएगी, उससे शायद आपकी कार भी ना आए, बट कम से कम आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो उससे जरूर मीट हो जाएंगे। जब वो होता है ना, तब आपका जो माइंड है वो प्रॉपर फंक्शन करता है, तो आप जिस चीज में फोकस लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, वो और बेहतर होगी। याद रखना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इंस्टेड की आप कुछ भी ना कर रहे हो, खाली बैठे हो, लेकिन जब आपके पास जॉब होती है तो आपको पता है कि यार there is some amount of money on the way, तो वो फीलिंग एक बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो दूसरा तरीका जिसके बारे में बात करूंगा वो है ब्लॉगिंग। अगर आप लोग एक ब्लॉग लिखते हो, उसी बारे में लिखो जिस बारे में आप लोग अपनी लाइफ बना रहे हो, जिसके बारे में आप 2 से 3 साल अपने लाइफ के दे रहे हो, और ब्लॉगिंग करके अगर आप सही तरीके से उस चीज के बारे में लिखना चुनते हो जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, सप्लाई डिमांड वाला गेम खेलो। मान लो एक नया फ्रेमवर्क आया Next.js 15 और उस पर किसी ने लिखा ही नहीं, आप लिखना शुरू कर दो, अपने ब्लॉग को माइक्रो नीच बना दो सिर्फ Next.js 15 पे, तो हाई डिमांड जिसपे कंटेंट नहीं है, यू शुड बी गुड एट इट, यू शुड बी एक्सपर्ट एट व्हाटएवर यू आर राइटिंग। इसके बाद तीसरी चीज है फ्रीलांसिंग, जिसके बारे में सब बात करते हैं, जिसको बहुत इजी दिखाया जाता है बट होती बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ऑनलाइन काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यार ट्राई करो, इतना ट्राई करो यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही यार। कोल्ड ईमेल्स करो, भले उसका कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, डेली ईमेल्स करो, अपनी जो नई चीजें हैं वो भेजो, इवेंचुअली कुछ ना कुछ आपके हाथ लग ही जाएगा। इसके बाद है इन्फ्लुएंसर या माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन जाओ इंस्टाग्राम पर। अभी आसान नहीं होता है, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनना सबके बस की बात नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम है इन्फ्लुएंसर बनना, बट कुछ चीज होती है ना, यू आर जस्ट नॉट मेड फॉर इट। मैंने अपनी लाइफ में लोगों को जितना यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हुए फेल होते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता किसी और फील्ड में देखा होगा। आप लोग को समझना है कि ये चीज आप इंजॉय भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या आपके वीडियोस अच्छे भी बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अभी एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं पर्सनली पीछे रह गया बहुत ज्यादा, मल्टीपल रीजंस के कारण, कि कहीं ना कहीं आपको मोनेटाइज भी सही टाइम पे करना जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे, पैसे कुछ खास कमा नहीं पाओगे। सही टाइम पर सही अमाउंट ऑफ मोनेटाइजेशन आपके कंटेंट का जरूरी है, कभी भी आप इन्फ्लुएंसिंग करो तो बताओ। इसके बाद पांचवा, जिससे मेरे पैसे डबल होगा, अब आप लोग बहुत एक्साइटेड होगा, यार बता दो जल्दी से यार कैसे करना है डबल। एक ऐसी चीज जिसने मेरे फाइनेंस जिंदगी को चेंज कर दिया, उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने जब अर्निंग करना स्टार्ट किया था, तो मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। उन्होंने मुझे बताया था निफ्टी ETF के बारे में। उन्होंने कहा था कि यार जो भी इनकम कर रहे हो ना, 100% इनकम में से कम 50% इनकम अपनी निफ्टी ETF में डाल दो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो। मैंने उनसे कहा था 50 तो नहीं हो पाएगा, 20-25 डाल दूं क्या? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, 20-25 भी चलेगा, डालो, लेकिन 20-25 कंसिस्टेंटली डालना। तो मैं क्या करता था कि निफ्टी ETF खरीदता रहता था। मैंने SIP नहीं करी थी, झूठ नहीं बोलूंगा, SIP इज ऑल्सो गुड। SIP का मतलब होता है कि हर महीने आपके ऑटोमेटिक कटते जाते हैं पैसे और किसी एक पर्टिकुलर फंड में वो जाते जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा निफ्टी ETF में आप लोग करो इन्वेस्ट, क्योंकि वो ग्रो करती है। मेरे हिसाब से आज मैं जब वो पूरा जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया उसको मैं देखता हूँ ना पीछे मुड़ के, मैं कहता हूँ वाह यार, मतलब 25% किया, 20% किया, 50 क्यों नहीं किया, ऐसा फीलिंग आती है। बट आई एम ग्लैड कि मैंने 20-25 भी किया, और आज भी जैसे जैसे पॉसिबल होता है मैं करता हूँ। आज आप अगर 10,000 रुपए बचा रहे हो ना किसी फालतू चीज में, मान लो कोई फालतू चीज में 10,000 रुपए आप खर्च करने वाले हो, आप अगर उसको निफ्टी ETF में डालते तो 10 साल बाद वो कितने हो गए होते हैं, इस नजर से देखो उसको। मैं ही नहीं कह रहा हूँ एंजॉय मत करो, कुछ चीजें जरूरी होती है, कुछ चीजें तो आपके काम में इन्वेस्टमेंट ही लगेगा, वो तो आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न देगा, सबसे ज्यादा रिटर्न जो आप ले सकते हो अपने आप में इन्वेस्ट करके ले सकते हो। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, कोर्सेज वगैरह भी खरीदो यार, जो आपको सही लगता है करो, आप बहुत समझदार हो यार, मैं कह रहा हूँ वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो। कुछ भी नहीं पता ना आपको, एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें ही कर दो इन्वेस्ट करना। कुल मिलाकर मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट फाइनेंस अपने प्रॉपरली मैनेज करो, पैसा बचाओ,
वेस्ट मत करो, पैसा सही जगह पे लगाओ। तो यार कंक्लूजन ये है कि जब तक आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, आप लोग पैसे नहीं कमा सकते। देयर इज नो मैजिक। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये एक चीज कर लोगे आप तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। नहीं, मैंने जो आप लोगों को फॉर्मूला बताया इस वीडियो के अंदर, दैट इज रिपीटेबल, हर फील्ड के लिए वो काम करेगा। जरूरी नहीं है सिर्फ कोडिंग के लिए काम करेगा। जो बातें मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई उनमें से बहुत सारी चीजें मैं भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। कंपाउंडिंग इज योर फ्रेंड, चाहे वो एफर्ट्स की कंपाउंडिंग हो चाहे वो पैसों की कंपाउंडिंग हो, दोनों ही आपकी मदद करेंगी। अपनी एनर्जी को फोकस करो उस एक चीज में जिससे आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड जो आप उसको कर सकते हो रिपीटेडली, और आप जिस चीज को करना बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो। अब जाने से पहले एक कैवियट के बारे में बात करूंगा, और वो कैवियट ये है कि इस मनी मेकिंग की प्रोसेस में एक टाइम पे इवेंचुअली आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, और सक्सेसफुल होने के बाद आप लोग बहुत सारी चीजें मिस आउट कर जाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हो सकता है कि आप आज से 10 15 20 साल के बाद पीछे मुड़ के देखें और आप कहें क्रिकेट नहीं खेला, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, मैंने कर ली कोडिंग, मैं घूमना चाहता था, मेरे पास इतने पैसे भी थे कि मैं दुनिया की सैर कर सकता था, मैंने उसके बाद भी वो नहीं करी, और उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, या आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि अब आप कर ही नहीं सकते वो चीज, या उतने एंजॉयमेंट के साथ नहीं कर सकते जितना आप पहले कर सकते थे। तो ये सब चीज़ आप लोगों को कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी। मैं आपको इस वीडियो से ये समझाना चाहता था कि वेल्दी कैसे बनना है, एंड आई होप कि आई एडेड सम वैल्यू थ्रू दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में जो भी बोला वो अपनी नॉलेज, अपनी समझ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।